गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज की स्टोरी है द लिटिल गर्ल। इसकी राइटर हैं कैथरीन मैंसफील्ड। इस स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स इस तरीके से हैं। केजिया, सी इज़ ए लिटिल गर्ल एंड ऑलवेज अ थ्रेट टू हर फादर, उसके फादर हैं। मदर, ग्रैनी उसकी ग्रैंड मदर, एलिस वो कुक जो कि घर में काम करती है, और मिस्टर मैकडोनाल्ड जो कि उनका नेबर है। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। चलिए स्टोरी के बारे में जानते हैं कि स्टोरी में क्या है। केजिया एक छोटी सी लड़की है जिसे अपने फादर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अपने फादर की उपस्थिति घर में पाकर के वो बहुत ज़्यादा भयभीत होती है, और जब कभी उसके फादर घर पे उपस्थित नहीं रहते तो उसे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्स फील होता है। एक दिन उसकी ग्रैंड मदर उसे याद दिलाती है कि उसके फादर का बर्थडे आने वाला है। अपने फादर को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, वो उनके बर्थडे पे कुछ ऐसा गिफ्ट प्रेजेंट करे जो कि उसके द्वारा बनाया हुआ हो। केजिया उनसे पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसकी ग्रैंड मदर उसे सजेस्ट करती है कि तुम एक पेपर क्वेश्चन तैयार करो ताकि तुम्हारे फादर उसे देख करके काफ़ी खुश हो सकें। केजिया ऐसा ही करने की सोचती है। पेपर क्वेश्चन के लिए उसे एक कपड़ा और कुछ पेपर चाहिए थे। कपड़े की डिमांड उसकी पूरी हो जाती है, और पेपर्स ढूंढने के लिए वो जैसे ही अपने फादर के रूम में जाती है, वहाँ उसे कुछ टेबल पर पेपर्स पड़े हुए मिलते हैं। उन पेपर्स को उठा करके वो क्वेश्चन में फिलअप कर देती है और उसको स्टिच कर देती है। वो यह नहीं जानती थी कि ये सारे के सारे पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसके ऊपर उसके फादर ने स्पीच लिखी हुई थी। तो अनजाने में वो उन सब पेपर्स को उस क्वेश्चन में फिलअप कर देती है। कुछ समय बाद में उसके फादर अपनी स्पीच ढूंढते हुए उसी रूम में आते हैं, और वहाँ पे उनको पेपर नहीं मिलते। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और पूरे घर में हंगामा मचाते हुए उन पेपर्स को ढूंढने लगते हैं। जब केजिया उन्हें ये बताती है कि वो पेपर उसके द्वारा इस्तेमाल कर लिए गए, उसने उन्हें अपने पेपर क्वेश्चन में फिलअप कर दिया है, तो उसके फादर काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं और गुस्से में आकर के उसे रूलर से उसके हैंड पर हिट करते हैं। केजिया इस घटना से बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाती है और उसे ये लगने लगता है कि उसके फादर इस दुनिया के सबसे ज़्यादा निर्दयी फादर हैं। वो पड़ोस में रहने वाले मैकडोनाल्ड को देखती है जो कि शाम के समय अपने बच्चों के साथ रोज खेलता है, उनके साथ इंजॉय करता है, उनके साथ खूब हंसता है, तो उसे जेलसी फील होती है। वो देखती है, वो कल्पना करती है, इमेजिन करती है कि कहाँ मेरे फादर जो कि मुझ पर इतने ज़्यादा डराते हैं, मुझे भयभीत करते हैं, कहाँ ये मैकडोनाल्ड है जो कि अपने बच्चों के साथ में कितना खुश रहता है और कितना इनके साथ खेलता है। एक दिन केजिया की माँ अचानक से बीमार पड़ जाती है और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। केजिया की केयर करने वाला घर पे केवल वो कुक एलिस रह जाती है जो कि उसकी देखभाल करती है। केजिया की हैबिट थी, उसे रात में नाइटमेयर्स आते थे, डरावने सपने आते हैं। उस रात भी वो एक डरावना सपना देखती है और बहुत तेज़ी से चीखने लगती है, जो कि उसकी कुक जिसको कि उसकी केयर का जिम्मा सौंपा गया था, वो गहरी नींद में सो जाती है। वो केजिया की चीख उसे सुनाई नहीं देती। केजिया के फादर जो कि उसके बगल वाले रूम में सो रहे थे, केजिया की चीख सुन करके दौड़ के केजिया के पास आते हैं, उसे जगाते हैं, उसके चीखने और रोने का कारण पूछते हैं। केजिया जब उसे रीजन बताती है तो उसके फादर उसे अपने गोद में उठा करके अपने रूम में ले जाते हैं, उसे सांत्वना देते हैं, उसे शांत करते हैं और चुपचाप से अपने पास सुला देते हैं। इस समय केजिया फील करती है कि उसके फादर जो हैं इतने हार्ड नहीं हैं। उसके फादर का जो हृदय है काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा है, और इस पॉइंट पे आकर के ये कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी की राइटर, जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, कैथरीन मैंसफील्ड इस स्टोरी की राइटर हैं और काफ़ी अच्छी स्टोरी है। चलिए आइए इसे लाइन टू लाइन इस स्टोरी को अब रीड करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी बच्ची के लिए वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिससे डरकर और बचकर रहा जाए। अब ये जो फर्स्ट लाइन आई है ये इंडिकेट करती है उसके फादर के लिए कि उसके फादर से वो किस तरीके से बच के रहना चाहती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही कैम इनटू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस।
रोज सुबह काम पर जाने से पूर्व वो उसके कमरे में आते और लापरवाही भरा एक किस देते थे, और उसका आंसर वो किस तरीके से देती थी, टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, जिसका वो आंसर देती थी गुड बाय फादर कह करके, यानी उसके फादर उसके रूम में आते, उसे किस करते और बदले में केजिया जो है उन्हें गुड बाय फादर कह करके उनको अलविदा कह देती थी। तो ये उनके फादर का डेली रूटीन था। एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द केजियस ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और जब उस लंबी सड़क पर गाड़ी का जो शोर है धीरे धीरे कम और कम होता जाता, तब वह बड़े आनंद का अनुभव करती थी। कारण क्या होता था, क्योंकि उसके फादर जो है घर से जा चुके होते थे, इस बात को जान करके उसे बड़ी खुशी होती थी, यानी उसको अपने फादर का अपने घर पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे अपने फादर से भय लगता था, जिसके कारण वो जब उसके फादर ऑफिस चले जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और शाम को जब वो घर आते तो वह सीढ़ियों के निकट खड़ी हो जाती और हॉल में उनकी तेज आवाज को सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, मेरी चाय ड्रॉइंग रूम में ले आओ। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक न्यूज पेपर नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, माँ जाओ और देखो कि क्या मेरा अखबार बाहर है, मेरी स्लीपर्स ले आओ। इस तरीके से वो घर में आते ही इवनिंग को अपना रौब जमाने लगते थे और सबको कोई ना कोई काम दे दिया करते थे। चलिए सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टैप ऑफ फादर्स बूट्स। केजिया माँ उसकी पुकारती, यदि तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकती हो और अपने पिताजी के जूते उतार सकती हो। तो केजिया की ड्यूटी हुआ करती थी, वो जैसे उसके फादर लौट के आते थे उनके बूट्स ओपन किया करते थे। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्रॉइंग रूम डोर। लड़की धीरे धीरे अनिच्छापूर्वक चुपचाप सीढ़ियों से नीचे आती और धीरे धीरे हॉल को पार करती और ड्रॉइंग रूम का दरवाजा धक्का दे करके खोल देती। By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय तक वे अपना चश्मा लगा चुके होते थे और उसे ऐसे ढंग से देखते थे जो उस छोटी बच्ची को डरावना सा लगता था, भयभीत कर देने वाला लगता था। उसके फादर जब तक केजी आती थी चश्मा लगा के न्यूज़पेपर रीड करना शुरू कर देते थे और चश्मे में से उस बच्ची को इस तरीके से देखते थे कि वो बच्ची उनको देख के डर जाया करती थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। अच्छा केजिया जल्दी करो, इन जूतों को उतारो और इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बनी रही। आई डू नॉट नो फादर, मुझे नहीं पता फादर। यू डू नॉट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तुम्हें नहीं पता, यदि तुम इस तरीके से हकलाओगी तो माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी। स्टटर मीन्स हकलाना। अगर तुम इसी तरीके से हकला के, जैसे ही उसके फादर उससे कोई क्वेश्चन करते, केजिया डर के मारे हकलाने लगती थी, स्टटर उसकी टंग स्टटर होने लगती थी और उसके फादर उसकी कॉपी किया करते थे। सी नेवर स्टटर with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. वह दूसरों से बात करते हुए कभी नहीं अकलाती थी, ऐसा करना लगभग पूरी तरह से छोड़ चुकी थी, किंतु केवल पिताजी के साथ में, अपने फादर के साथ में वह बात करते हुए हकलाती थी, क्योंकि उस समय वह शब्दों को सही ढंग से बोलने के लिए अत्यधिक प्रयास कर रही होती थी। जब हम लोग किसी शब्द को ज़्यादा स्पष्ट तरीके से बोलने का भयभीत होकर के प्रयास करते हैं तो हमारी आवाज़ अपने आप लड़खड़ाने लगती है,
तो वही केजिया के साथ होता है, वो शब्दों को ज़्यादा प्रॉपर वे में बोलने का प्रयास करती है और उसकी वॉइस लड़खड़ाने लगती है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रैश्ड अबाउट, तुम किस बात पर इतनी दुखी दिखाई दे रही हो। रैश्ड मीन्स दुखी, परेशान। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस बच्ची को सिखाएं कि वह ऐसी न दिखाई दे कि आत्महत्या करने वाली हो। केजिया, मेरा ये कप सावधानीपूर्वक वापस टेबल पर ले जाओ। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. वे इतने बड़े थे, उनके हाथ, उनकी गर्दन और विशेष रूप से उनका मुंह, जब वे यॉन करते थे, जम्हाई लेते थे। Thinking about him alone was like thinking about a giant. उनके बारे में केवल सोचना ही ऐसा था मानो किसी दानव के बारे में, दैत्य के बारे में मैं सोच रही हूँ, ऐसा केजिया का सोचना था। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with her father and mother. Sunday afternoon को उसकी दादी माँ उसको अपने माता पिता से अच्छी बातचीत करने के लिए ड्राइंग रूम में भेज दिया करती थी। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन वह छोटी बच्ची हमेशा माँ को पढ़ते हुए और पिता को सोफा पर फैले हुए या लेटे हुए पाती थी। His handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. चेहरे पे वो अपना रुमाल डाल लेते थे, अपने पैरों को एक सबसे अच्छी गद्दी पर डाले हुए रहते थे और गहरी नींद में सोते हुए और खर्राटे लेते हुए वह उन्हें उस ड्राइंग रूम में पाती थी। She sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched and asked the time, then looked at her. वह एक स्टूल पर बैठ जाती और गंभीरतापूर्वक उन्हें देखती रहती थी जब तक कि वह जग न जाते और अंगड़ाई लेते हुए समय पूछते, फिर उसकी ओर देखते। Don't stare so, केजिया, केजिया इस तरह घूर कर मत देखो, यू लुक लाइक लिटिल ब्राउन ओवल, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह दिखाई दे रही हो। इस तरीके का कमेंट उसके फादर केजिया पर किया करते थे। वन डे व्हेन शी वॉज कैप्ट इनडोर्स विथ अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। एक दिन जब केजिया को जुखाम था, उसे घर के अंदर ही रखा गया, तो उसकी दादी माँ ने उसे बताया कि अगले सप्ताह उसके फादर का बर्थडे आने वाला है। एंड सजेस्टेड सी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और उन्होंने सुझाव दिया कि वह येलो सिल्क से एक अच्छा सा पिन कुशन बनाए अपने फादर को एज ए गिफ्ट प्रेजेंट करने के लिए। लेबरसली विथ ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड्स, बहुत मेहनत करके दोहरा सूती कपड़ा लेकर उस बच्ची ने उसे तीनों ओर से सिल दिया। बट वॉट टू फिल इट विथ, पर उसमें भरे क्या, दैट वॉज द क्वेश्चन, यह एक प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड सी वांडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। दादी माँ बाहर बगीचे में थी और वह स्क्रैप्स की खोज में घूमती हुई माँ के रूम में गई। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, टोर देम इंटू टिनी पीसेस एंड स्टफ्ड हर केस देन स्वीट अप द फोर्थ साइड। बेड से सटी हुई मेज पे उसे अच्छे कागज की कई शीट रखी हुई मिली, उसने उनको इकट्ठा किया, उन्हें फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और उनको अपने खोल में भर दिया। उसके बाद उस केजिया ने उसकी चौथी तरफ की सिलाई भी कंप्लीट कर दी। दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर में बहुत शोर शराबा हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट,
बंदरगाह प्राधिकरण के लिए फादर की लिखी हुई महत्वपूर्ण स्पीच खो चुकी थी। रूम स्वसर्च्ड, सारे रूम तलाश किए गए, सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से पूछताछ की गई। फाइनली मदर कैम इनटू केजिया रूम। आखिर में माँ केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, मैं समझती हूँ तुमने हमारे कमरे में मेज पर कोई कागज नहीं देखे होंगे। ओ यस, शी सैड, आई टोर देम अप फॉर माय सरप्राइज। हाँ, मैंने तो उन्हें अपने सरप्राइज गिफ्ट के लिए यूज में ले लिया, उन्हें फाड़ दिया है। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। क्या, माँ चीख पड़ी, तुम तत्काल सीधे डाइनिंग रूम में नीचे आ जाओ। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और उसको घसीट कर वहां लाया गया जहां उसके पिताजी पीठ पीछे हाथ रखे इधर से उधर टहल रहे थे। वेल, ही सेड शार्पली, क्या हुआ, उन्होंने कठोरता से पूछा। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने बात समझाई। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट चाइल्ड, वे रुक गए और बच्ची की तरफ घूर कर देखा। डिड यू डू डैट, क्या तुमने यह काम किया। नो नो नो, शी विस्पर्ड, नो नो नो, नहीं, वह फुसफुसाई। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। माँ, ऊपर इसके कमरे में जाओ और उस गंदी सी वस्तु को नीचे लेकर के आओ। देखो इस बच्ची ने इसी क्षण, देखो इस बच्ची को इसी क्षण बिस्तर पर भेज दो। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. वह इतनी रो रही थी कि अपनी बात को समझा न सकी। वह अंधेरे कमरे में पड़ी रही और सायंकाल के प्रकाश को कमरे के फर्श पर एक दुखमय छोटी सी आकृति बनाते हुए देखती रही। Then father came into the room with a ruler इन हिज हैंड्स, फिर पिताजी हाथ में पटरी लिए हुए कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड, मैं तुम्हें इस कार्य के लिए पीटूंगा, वो बोले। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। ओ नहीं नहीं, वह बिस्तर के कपड़ों में छिपती हुई चीखी चिल्लाई। ही पुल्ड देम असाइड, पिताजी ने उन बिस्तरों को और कपड़ों को खींचकर अलग कर दिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, बैठ जाओ, उन्होंने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें एक बात हमेशा के लिए सीखना होगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे तुम नहीं छुओगी। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन यह आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन कैम द रूलर ऑन अ लिटिल पिंक पाम्स, बच्ची की छोटी गुलाबी हथेलियों पर पटरी की माँ तब तक पड़ चुकी थी। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। घंटों बाद जब दादी माँ ने उसको शॉल उड़ाया और झूलने वाली कुर्सी में झुलाया तो वह बच्ची दादी के दुबले शरीर से चिपक गई। What did God make father for? ईश्वर ने पिता किस लिए बनाए थे? She sobbed, वह सिसकियां लेते हुए बोली। Here's a clean hanky, darling. Blow your nose, go to sleep, pet. लो यह रुमाल लो और अपनी नाक साफ कर लो, सो जाओ मेरी लाडली। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह तक यह सब भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। मैंने तुम्हारे पिताजी को समझाने का प्रयास किया था किंतु वह इतने परेशान थे कि वे आज रात कुछ भी सुनने को तैयार
नहीं थे, पर द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, किंतु बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अगली बार जब उसने उन्हें देखा तो उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे कर लिए और उसके गाल डर से लाल हो गए। देन मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनाल्ड परिवार जो कि पड़ोस में रहता था, दे हैड फाइव चिल्ड्रन, उनके पांच बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फैंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। चार दीवारी के छेद में से छोटी बच्ची उनको शाम के समय कोई गेम खेलते हुए रोज देखा करती थी। टैग एक टाइप का गेम होता है जिसके अंदर बच्चे एक दूसरे को पकड़ा करते हैं, पकड़म पकड़ाई वाला गेम। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर। पिता छोटी बच्ची माओ को अपने कंधों पर उठाते, दो छोटी बच्चियों को अपनी कोट की जेबों को पकड़े हुए, हंसी के कारण डगमगाते हुए फूलों की क्यारियों के चारों ओर दौड़ते और खूब हंसी करते। वंस ही सा द बॉयज टर्न द हॉर्स ऑन हिम एंड ही ट्राई टू कैच दैम लाफिंग ऑल द टाइम। एक बार उसने देखा कि लड़कों ने पानी का पाइप अपने पिता की ओर घुमा दिया है और वे हर समय हंसते हुए उनको पकड़ने की कोशिश करते रहे। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। तब केजिया ने यह जान लिया कि पिता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई और माँ तथा उसकी दादी माँ उसकी माँ की देखभाल के लिए हॉस्पिटल चली गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक। उस छोटी बच्ची को एलिस नामक रसोइये के साथ में घर पर अकेला छोड़ दिया गया। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन के समय तो सब कुछ ठीक ठाक था, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रीव सडनली अफ्रेड। लेकिन जब रात को सोने का समय आया तब वह अचानक से डर गई। What will I do if I have a nightmare? यदि मुझे बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी? She asked. उसने पूछा। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं और तब दादी माँ मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। मुझे धीमी धीमी ध्वनियों का आभास होता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। एलिस ने उसके मोजे उतारते हुए कहा, तुम बस सो जाओ बच्ची और तुम चीखना मत और अपने बेचारे पापा को मत जगा देना। उसके पापा जो कि उसके बगल वाले रूम में ही सो रहे थे। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर कैम। लेकिन वही पुराना सपना फिर से उसे केजिया को रात में आया। द बुचर विथ ए नाइफ एंड अ रॉप हु कैम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल व्हाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड ए कैंडल इन हिज हैंड। अब देखिए क्या घटना घटती है। रात को वही पुराना सपना उसे आता है। एक कसाई चाकू और रस्सी लिए हुए उसके निकट आता जा रहा था और भयानक रूप से मुस्कुरा रहा था, जबकि वह हिल भी नहीं पा रही थी। वह चीखती है, दादी माँ दादी माँ। वह कांपती हुई जाग गई और उसने अपने पिता को हाथ में कैंडल लिए अपने बिस्तर के पास देखा। व्हाट्स द मैटर ही सेड, क्या बात है? उन्होंने कहा। ओ ए बुचर ए नाइफ
आई वॉन्ट गायनी, ओ एक कसाई एक चाकू, मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्ल्यू आउट द कैंडल, बैंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। पिताजी ने कैंडल बुझाई, वे झुके और बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पासेज टू द बिग बेडरूम, और उसे गलियारे से होते हुए बगल के बड़े बेडरूम में ले गए। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, बिस्तर पर एक समाचार तो न्यूज़पेपर समाचार पत्र पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक अप द चाइल्ड, उन्होंने पेपर को अलग कर दिया और फिर उस बच्ची को सावधानी से बिस्तर पर लेटा दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, ही ले डाउन बिसाइड हर हाफ अस्लीप स्टिल स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड सी क्रैप्ट क्लोज टू हिम। फिर वे भी उसके बगल में लेट गए। बच्ची अभी भी हाफ स्लीप में थी, अर्ध निद्रा में थी, अभी भी उसके आसपास उसे कसाई की मुस्कान दिखाई दे रही थी। वह अपने पिता के और निकट सरक गई। स्नगल्ड हर हैड अंडर हिज आर्म्स, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उसने सिर को अपने पिता की बांह के नीचे चिपका लिया और उनकी शर्ट कसकर पकड़ ली। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, अब अंधेरा महत्व नहीं रखता था, वह चुपचाप शांत लेट गई, क्योंकि उसे मालूम था अब उसके फादर उसके पास लेटे हुए हैं तो उसका डर जो है काफ़ी हद तक कम हो गया था। हे आर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, यहाँ अपने पैरों को मेरी टांगों से रगड़ो और उन्हें गर्म कर दो, पिताजी ने कहा। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, क्योंकि पिताजी अत्यधिक थके हुए थे तो उस बच्ची से वो पहले ही सो गए। ए फनी फीलिंग कैम ओवर हर, एक आनंदपूर्वक भाव उस बच्ची पर छा गया। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, बेचारे फादर आखिर इतने बड़े तो नहीं थे और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, वे दादी माँ से ज़्यादा कठोर थे लेकिन उनकी कठोरता अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड, और प्रतिदिन उन्हें काम करना पड़ता था और वे इतने थक जाते थे कि मैकडोनल्ड नहीं बन सकते। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, शी स्टेड सडनली एंड साइड, उसने उनका पूरा सुंदर लेख फाड़ डाला था। वह अचानक से हिली और लंबी आह भरी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, आस्क हर फादर अनदर ड्रीम, उसके पिताजी ने पूछा, क्या दूसरा सपना आया। ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हैड्स ऑन योर हार्ट, ओ छोटी बच्ची बोली, मेरा सिर आपके हार्ट पर हृदय पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसकी धड़कन सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, आपका हृदय कितना विशाल है मेरे प्रिय पिताजी। कैथरीन मैंसफील्ड, तो आखिर में आकर के उस लड़की के जो भाव हैं अपने पिताजी के प्रति वो बिल्कुल बदल जाते हैं जब वह पाती है कि उसके फादर न केवल उसकी हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उस भयानक सपने से उसे बचाते हैं, बल्कि उसे अपने पास बुलाते हैं, उसे सोलेस देते हैं, उसे सांत्वना देते हैं। इन सब बातों को सोचकर उस छोटी बच्ची का हृदय परिवर्तित हो जाता है और उसे ये मालूम पड़ता है कि उसके फादर का भी एक बिग हार्ट है। थैंक यू।